सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम रिव्यू करने वाले हैं विटकोबल सस्पेंशंस के बारे में या फिर विटकोबल सिरप्स के बारे में। तो विटकोबल सिरप्स का क्या यूज है, कब इसको यूज़ किया जाता है, कितने दिन यूज़ किया जाता है, यूज़ करने से आपको क्या बेनिफिट होता है, यूज़ करने से आपको क्या साइड इफेक्ट होते हैं, इसके अंदर क्या क्या इंग्रीडियंट्स या मॉलिक्यूल्स या कंपोजिशन डाले गए और ये किस प्रकार काम करता है, उसका ड्यूरेशंस कितना होना चाहिए और इसको कब और कैसे लिया जाता है और पेडियाट्रिक्स डॉक्टर इसको क्यों रिकमेंड्स करते हैं। तो विटकोबल सस्पेंशन के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल पे वीडियो पे पहली बार विजिट किए या फिर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। शुरू करते हैं विटकोबल सस्पेंशन या फिर विटकोबल सिरप, जो कि हमारे पास 200 ml का बॉटल है, जिसकी MRP की बात करें तो इसकी MRP 123 यानी कि 123 रुपये के करीब इसकी MRP है। विटकोबल सस्पेंशन को FDC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, जो कि एक नामसेंस कंपनी है और बहुत सारे एलोपैथिक्स मेडिसिन भी बनाती है। विटकोबल सस्पेंशन के अंदर इंग्रीडियंट्स या मॉलिक्यूल्स या कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर कंपोजिशन है फेरस फुमारिस IP 100 mg, इक्विवेलेंट टू एलिमेंटल्स आयरन 32.8 mg, फोलिक एसिड IP 0.5 mg, साइनोकोबालमिन्स IP 5 mcg, विटामिन B12 फ्लावरेटिस व्हीकल्स भी इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डाले गए। विटकोबल सस्पेंशन का यूज के बारे में बात करो, इसका इस्तेमाल ट्रीटमेंट करता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में और न्यूट्रिशंस डेफिशिएंसी एनीमिया में और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एनीमिया ड्यू टू क्रोनिक ब्लड वेसल्स या फिर वीकनेस एंड लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होता है तो उसको ठीक करने के लिए विटकोबल सस्पेंशन का इस्तेमाल किया जाता है। विटकोबल सिरप्स का इस्तेमाल अगर कोई बच्चा है जिसको खून की बहुत ही कमी है, यानी कि उसके बॉडी में ब्लड बहुत ही कम है या फिर उसको भूख वगैरह नहीं लगती है, यानी कि उसको आयरन डेफिशिएंसी बहुत ही कम हो गई है या फिर उसको एनीमिया का कुछ डेफिशिएंसी हो गई है तो इसको यूज़ करने से वो ठीक हो सकता है। विटकोबल सिरप्स को यूज़ करने से ये बेनिफिट मिलेगा कि अगर कोई बच्चा है जिसको आयरन की कुछ डेफिशिएंसी ज़्यादा है या फिर उसको एनीमिया है या फिर उसके बॉडी में ब्लड बहुत ही कम है या फिर वो दुबला पतला बहुत ही है तो इसको यूज़ करने से वो ठीक हो सकता है। लेकिन विटकोबल सिरप्स के यूज़ करने से ये बेनिफिट मिलेगा कि अगर बच्चे में आयरन की कुछ डेफिशिएंसी होगी तो वो ठीक हो सकता है या फिर उसको एनीमिया वगैरह है या फिर उसको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया वगैरह है तो इसको यूज़ करने से वो ठीक हो सकता है। तो विटकोबल सस्पेंशन का 200 की बात करें तो उसका 200 एडल्ट में 5 ml ट्वाइस ए डे, यानी कि सुबह नाश्ते के बाद 5 ml और रात को खाना खाने के बाद 5 ml दे सकते हैं और चिल्ड्रंस में 2.5 ml ट्वाइस ए डे रहता है। विटकोबल सस्पेंशन का इस्तेमाल आफ्टर मील्स, यानी कि इसको खाना खाने के बाद ही दें। विटकोबल सस्पेंशन विटकोबल सिरप्स आपको कोई भी मेडिकल या फार्मेसी या केमिस्ट में मिल जाएगा। विटकोबल सस्पेंशन को यूज़ करने के पहले अपने जनरल पेजेसी या फैमिली डॉक्टर या फिर अपने पेडियाट्रिशियन डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें, बाद में सिरप्स का इस्तेमाल करें। अपने मन से विटकोबल सस्पेंशन का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें। विटकोबल सस्पेंशन के बारे में कुछ भी डाउट हो हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दिया है वहाँ पर बताएं। विटकोबल सिरप्स का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियोस। यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए था। कोई भी सिरप्स या सस्पेंशन का इस्तेमाल करने के पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें।